हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, लगातार मैं आपको सभी यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड अपडेट दे रहा हूँ। लेकिन आज जो अपडेट आई है वो एमडी यूनिवर्सिटी वालों के लिए है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तो अपडेट हम इसको नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि जो कुल सचिव है उन्होंने बोल दिया दोस्तों साफ साफ कि सिलेबस हमारी तरफ से पूरा हो चुका है, और हमने सभी अध्यापक गणों के साथ, कॉलेजों के जो प्रिंसिपल है या अध्यापक कहलवा, आप उनके साथ मीटिंग की थी, उनसे सिलेबस के बारे में पूछा था, और उसके बाद ही हमने निर्णय लिया है कि हम ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि हमारा सारा सिलेबस पूरा हो चुका है। ज्ञापन सौंपने के बाद आगे की रणनीति क्या है, वो यही है दोस्तों। मुझे लगता है कि 7 तारीख को आपको एक अच्छा प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, नहीं तो एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन मोड में होने की पूरी बुरी संभावना लग रही है यहाँ पर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आज एमडीयू के छात्र नेता दीपक धनखड़ के नेतृत्व में एमडीयू के कुल सचिव जी, शिक्षा नियंत्रक जी को 17 फरवरी से होने वाली एमडीयू के परीक्षा में बैठने की छूट को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षा नियंत्रक जी ने बताया कि 2 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डेटशीट डाल दी जाएगी। कुल सचिव शिक्षा नियंत्रक जी ने कहा कि 21 जनवरी को 126 कॉलेजों के प्राचार्य के साथ ऑनलाइन मीटिंग की गई, जिसमें सभी से पूछा गया कि विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम कब तक पूरा हो जाएगा। तो सभी कॉलेजों के प्राचार्यों, एमडी विश्वविद्यालयों के ओएचडी ने कहा कि पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है, अब रिवीजन शुरू कर दी गई है, इसलिए अब की बार पैटर्न में छूट नहीं दी गई है। ये देख लीजिए दोस्तों आप। विद्यार्थियों का मत रखते हुए एमडी के छात्र नेता दीपक धनखड़ ने कहा कि कोई भी अध्यापक ये नहीं कहेगा कि उसके विषय की पढ़ाई अभी तक पूरी ही नहीं हुई, क्योंकि कोई अध्यापक नहीं चाहता कि उस पर बात आए। इसलिए अधिकतर प्राचार्य ओएसडी ने पाठ्यक्रम पूरा होने की बात गलत कही है। दीपक धनखड़ ने कहा, एमडी प्रशासन को विद्यार्थियों की फीडबैक लेना चाहिए, ताकि वे बता सके कि उनका इतना पाठ्य पूरा नहीं हुआ है। इसको लेकर प्रशासन ने कहा कि विद्यार्थी एमडी की छत्र। तो दोस्तों, इस पर मतलब कुल बात यही निकल कर आती है कि यूनिवर्सिटी झूठा आश्वासन भी नहीं आपको दे रही है कि हम कर देंगे ऑनलाइन पेपर, लेकिन अब मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम लेने जा रही है। परंतु इसके लिए अगर आपको अभी एक बार मौका आपके पास, 7 फरवरी, जी हाँ दोस्तों, 7 फरवरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और एक अच्छे तरीके का आंदोलन करें, तो मुझे लगता है आपकी बात बन सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।